आज मैं आपको स्मार्ट आर्ट एमएस वर्ड में बता रहा हूँ, जिसमें आज सेकंड एग्जांपल आपका होगा। ध्यान से सबके बोर्ड में देखिए जो कल नहीं आए हैं। स्मार्ट आर्ट पे सबसे पहले आपको लेना है नेक्स्ट एग्जांपल। फर्स्ट एग्जांपल आपको बता दिए थे, आज नेक्स्ट एग्जांपल होगा। तो नेक्स्ट एग्जांपल आपका, इसमें से कोई भी एक सेलेक्ट कर लेते हैं। ये वाला सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। इसमें मैंने कल आपको बताया था, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। पहले वाले एग्जांपल में सीखे थे कि कैसे कोई टेक्स्ट इंसर्ट करना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद आपने सीखा था बुलेट कैसे लगाना चाहिए, ठीक है। पर इस स्मार्ट आर्ट में आपको ये पता रहेगा कि कैसे पिक्चर भी डालना चाहिए, ठीक है ना। देखिए ये आपको जो पिक्चर्स का आइकॉन दिख रहा है ना, इसमें आप पिक्चर्स इंसर्ट कर सकते हैं। कैसे? आपको पिक्चर पे सिंपली क्लिक करना है, वर्क ऑफलाइन पे क्लिक करना है और यहाँ से कोई भी पिक्चर सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है, कोई भी टेक्स्ट टाइप कर दीजिए। ठीक है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि कैसे शेप पे कलर फिल किया जाता है, आउटलाइन फिल किया जाता है। आज का क्लास आपके लिए होने वाला है जिसमें मैं फॉर्मेट टैब के ऊपर वर्ड आर्ट स्टाइल बताऊंगा। वर्ड आर्ट स्टाइल, ठीक है। वर्ड आर्ट स्टाइल कैसे वर्क होता है स्मार्ट आर्ट के अंदर, ये ध्यान से सबको बोर्ड पे कॉन्सेंट्रेट होके देखिए। वर्ड आर्ट स्टाइल बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक्चुअली वर्ड आर्ट स्टाइल से आप कोई भी डिजाइनिंग, कोई भी इफेक्ट टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको यूज करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, आपको टेक्स्ट को क्लिक करना होगा, ठीक है। क्लिक है ना टेक्स्ट, उसके बाद देखिए यहाँ पर टेक्स्ट फिल है। टेक्स्ट फिल का मतलब क्या जानते हैं आप लोग? कलर फिल करना, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको देखने में आसानी हो। ठीक है, फॉर्मेट टैब पे वापस जाते हैं, फॉर्मेट टैब पे चले गए। ठीक है, फॉर्मेट टैब तभी आपका ओपन होगा जब आप किसी ऑब्जेक्ट मतलब शेप पे या टेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा, तभी आपका फॉर्मेट टैब ओपन होगा। ठीक है, अब देखिए ये कंप्यूटर पे जब आपने क्लिक किया, यहाँ पर टेक्स्ट दे दिया, येलो दे दिया ना। अब यहाँ पे टेक्स्ट आउटलाइन पे जाता हूँ और यहाँ से कलर ले लेता हूँ रेड। आ गया दो कलर का मिक्सचर आउटलाइन। देखिए टेक्स्ट फिल से आपको जो टेक्स्ट के अंदर का कलर है वो फिल कर दिया, आउटलाइन से बाहर का कलर फिल कर दिया। ठीक है, अब टेक्स्ट इफेक्ट पे क्या होता है, टेक्स्ट इफेक्ट में आप उसको 3D रोटेट कर सकते हैं। देखिए हो रहा है, जो आपको अच्छा लगे वो सेलेक्ट करके आप इफेक्ट दे सकते हैं। ठीक है, इस पे ज्यादा इफेक्ट मत दीजिएगा क्योंकि इस पे आप जितना सिंपल रखिए उतना अच्छा रहेगा। ज्यादा इफेक्ट देने के लिए आपके पास जगह भी होना चाहिए और देखना भी है कि आप कहाँ पे देना दे रहे हैं कि आपका प्रॉपर वो अच्छा लगे वो स्टाइल इफेक्ट। ठीक है, अब वैसे ही इंग्लिश पे भी कर लीजिए। डाटा को सेलेक्ट कर लिए, सेलेक्ट करने के बाद कलर देने के बाद आप इस पे इफेक्ट दे दिए। ठीक है, फिर हिंदी पे भी कर लीजिए, टेक्स्ट को पूरा सेलेक्ट कर लीजिए, टेक्स्ट फिल पे जाइए और यहाँ पे इफेक्ट दे दीजिए। ठीक है,
देखिए, अभी तक आपने वर्ड आर्ट स्टाइल सीख लिया। वर्ड आर्ट स्टाइल में किसी को कोई दिक्कत समझने में कोई प्रॉब्लम, तो देखिए, आपका वर्ड आर्ट स्टाइल में किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए। क्लियर हो गया? कोई भी डिजाइन आप लीजिए, पर उसके पहले, लेने के पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको जो टेक्स्ट इंसर्ट करना है, क्या वो प्रॉपर उस स्मार्ट आर्ट स्टाइल पे बैठेगा कि नहीं बैठेगा। आपको वही टेक्स्ट लेना है, वही डिजाइन लेना है जो उस पर प्रॉपर सुटेबल हो, ठीक है? अब आपको नेक्स्ट, हम आपको चैप्टर शुरू कर रहे हैं जो इंसर्ट टैब में आपका है। टैक्स के ऊपर मिला टेक्स्ट बॉक्स नहीं है, टेक्स्ट वर्ड आर्ट, वर्ड आर्ट दिख रहा है बोर्ड पे, दिख रहा है ना है? अब आपको करना क्या है, सिंपली देखिए, एक्चुअली मैं इसको क्यों बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। जब आप स्मार्ट आर्ट यूज कर रहे थे तो आपको टेक्स्ट के ऊपर इफेक्ट मिल रहा था, जिसमें आप फिल कलर, आउटलाइन फिल और 3D इफेक्ट दे रहे थे, तो वो तीन ऑप्शन आपको कैसे दिखेगा? देखिए, मैं इसको अभी छोड़ देता हूँ, ठीक है? मैं सिंपली यहाँ पे लिख रहा हूँ कंप्यूटर क्लासेस। लिख दिया ना? अब मैं देखिए ध्यान से, मैं सिंपली इसको लिख दिया और यहां से मैं इसको साइज को बड़ा कर दिया, ठीक है, और बोल्ड कर दिया। क्या इस पे जब मैं क्लिक कर रहा हूं तो यहां पे व्यू के आगे फॉर्मेट टैब ओपन हो रहा है? नहीं ना, ओपन हो रहा है? ओपन नहीं हो रहा है। पर देखिए, जब मैं इंग्लिश, यहाँ पे इंग्लिश लिखा हुआ है ना ऊपर में, देखिए इंग्लिश लिखा हुआ है ना यहाँ पे, देखिए जैसे ही मैं इंग्लिश पे क्लिक करूंगा व्यू के आगे ओपन हो जाएगा। ओपन हुआ वर्ड आर्ट स्टाइल्स। देखिए, ये वर्ड आर्ट स्टाइल पे लिखा हुआ है, ये सिंपली टेक्स्ट टाइप किया हुआ है, ठीक है? इसमें आपको ये चीज ऑप्शन नहीं मिलता है सिंपल टाइपिंग पे। कंप्यूटर क्लासेस जब आप सिंपल टाइप कीजिएगा ना, तो आपको फॉर्मेट टैब ओपन नहीं होगा। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिए, ठीक है? आपको ओपन करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पे इंटर मार्क के नेक्स्ट लाइन पे जाते हैं और इंसर्ट में आपको इसका टेक्स्ट को यूज करने के लिए टेक्स्ट बॉक्स के बगल में ये है, देखिए टेक्स्ट के अंदर में आपको ऑप्शन मिलता है। क्या ऑप्शन है? इंसर्ट वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट मिला ना? इंसर्ट वर्ड आर्ट आपको कोई भी इसमें से सेलेक्ट कर ली, मान लीजिए ये सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है? वर्ड आर्ट हो रहा है। अब यहाँ पे मैं कंप्यूटर क्लासेस टाइप करता हूँ, COMPUTER, कंप्यूटर्स हो गया, कंप्यूटर क्लासेस। अब इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे साइज इसको बड़ा कर देता हूँ। हुआ? अब देखिए, इसमें अगर आप चाहते हैं फॉर्मेट टैब के अंदर में कलर येलो देना, येलो दे दीजिए। अब यहाँ पे रेड आउटलाइन देना चाहते हैं, रेड आउटलाइन दे दीजिए। हुआ? हुआ ना? करके देखिए, वर्ड आर्ट स्टाइल का यूज आपको समझ में आएगा। सिंपली टेक्स्ट टाइपिंग में ये ऑप्शन नहीं मिलता है, ये आपको एडवांस टेक्स्ट का ऑप्शन है जिसमें वर्ड आर्ट स्टाइल में आप यूज कर सकते हैं।